अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं सबको खुश आमदीद। और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सुबह का आगाज़ हुआ जाता है और बस मॉर्निंग टाइम एंड देन नाउ स्टार्ट अ रूटीन। सो आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला, इतने अच्छे अच्छे कमेंट मिले, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के लिए एक और व्लॉग बनाऊँ। तो बच्चों के साथ एंड बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट्स, आपकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सो उनको पूरा करके बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज की रूटीन कुछ इसी तरह की है। तो ये हुबाब का वॉकर था जो हमने असेंबल करना था हुबाब के लिए, तो उनके बाबा कर रहे थे और हम उनके साथ हेल्प करवा रहे थे। तो ये हुबाब का जो है वो रॉकर तैयार हो रहा है। नाउ इट्स टाइम टू गो। हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि बच्चों की कटिंग करवानी है और वो पेंडिंग रह रही थी कि आज करवाते हैं कल करवाते हैं, तो रोज़ ही दिन गुजर जा रहा था। तो आज हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, आज जाना ही है, हर हाल में जाना है। और बस फिर हम निकले और हुबाब की जो है वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुई थी और उसके बाद इसकी दोबारा नहीं हुई। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर समर भी चल रहा है तो हम हुबाब को करवा देते हैं आज। तो फिर हम निकले और बार्बर की शॉप की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको बार्बर की शॉप पे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों की कटिंग हो गई। हुबाब की तो हमने प्रॉपर हजामत करवाई है और हुसैन की जस्ट ट्रिम करवाई। और ये हुबाब की फाइनल लुक एंड छोटे से बनी लग रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे साउथ अफ्रीका से इतना प्यार मिला, मतलब लोगों के कमेंट्स एंड मैसेजेस। तो ऐसे ही आप मैसेजेस और कमेंट करते रहिएगा, कॉन्टेक्ट रखिएगा और इसी तरह साथ बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती रहूं और हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। ज़िंदगी बड़ी प्यारी सी है और कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव रह के गुजारें और हर लम्हा जो है वो बेहतरीन होना चाहिए और उसको जो सा है एक ऐसे मोमेंट की तरह गुजारना चाहिए कि वो आपके लिए बेहतरीन मोमेंट बन जाए। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर जिए। लाइफ बड़ी खूबसूरत है और अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं हर किसी की लाइफ में, लेकिन इंसान को पुरअज़म और अल्लाह पे भरोसा रखकर जीना चाहिए तो वो हर हार्डशिप क्रॉस कर लेता है। तो जी यहाँ बस हम सारे काम अपने फिनिश करके, बच्चों के सारे काम से हम निपटा के हम घर आ गए थे और मेरा दिल था कि मैं पास्ता बनाऊं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर करूं। ये मैंने स्पेगेटीज बॉईल कर ली थी और उसके बाद मैंने ये बंद गोभी ली और डिफरेंट शिमला मिर्चें ली जो कलरफुल ग्रीन पेपर, रेड पेपर एंड येलो पेपर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने कट करके रख ली हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लेनी। चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया और प्याज को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। देन मैंने ऑयल लिया और ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाली और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। देन इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया, गोल्डन फ्राई किया, ज़्यादा डार्क नहीं और लिटल गोल्डन फ्राई किया मैंने। और उसके बाद मैंने सारी जो मुझे थोड़ा जूसी सा ये अच्छा लगता है, मुझे ये ड्राई नहीं अच्छा लगता,
तो मैं जूसी बनाने के लिए पहले इसका बाकायदा मसाला तैयार करती हूँ। तो उस मसाले में ये मैं प्याज भी डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ ताकि इसकी एक प्यूरी बने और फिर उससे जो सा है वो जूसी सा हो। देन मैंने उसके बाद विनीगर ऐड किया और विनीगर के साथ सोया सॉस एंड चिली सॉस एंड टोमेटो केचप। लाइक टोमेटो केचप को हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि लाइक वो टोमेटो प्यूरी प्यूरी की तरह भी होती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की और ये ऐड करने के बाद मैंने इसका मसाला प्रॉपर तैयार किया एंड देन इसको भूनती गई और अच्छे से ताकि ये मिक्स हो जाए और चिकन जो है वो आपका सॉफ्ट हो जाए कि आपके पास्ते में आपको जब आप चिकन खाएं तो आपको अच्छा सा टेस्ट दें। लाइक देखें कितना जूसी सा लग रहा है। तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया, फ्राई कर लिया। देन उसके बाद मैंने सारे वेजिटेबल्स डाले जो कट करके रखे हुए थे एंड उन वेजिटेबल्स को अच्छे से करने के बाद सारे मिक्स हो गए। जब उनमें अच्छे से मसाला जज्ब हो गया तो उसको मैंने 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही हल्की आंच पे छोड़ दिया। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपको अगर ज़्यादा चिलीज चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं पेस्ट बना के, और ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको, मतलब ज़्यादा चिली खाना चाहते हैं या मीडियम होना चाहिए, तो वो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं सॉल्ट एंड ये देखें अब हमारा रेडी हो गया और बड़ी अच्छी सी लुक दे रहा है। अभी तो रोज़ा चल रहा है तो चेक नहीं कर पाएंगे कि कैसा है, रोजे के बाद देखेंगे कि कैसा बना। मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी पलोनी डाल दी थी क्योंकि मुझे पलोनी का टेस्ट अच्छा लगता है। देन आई पुट ऑलिव्स, मैंने उसके ऊपर ऑलिव्स भी डाल दिया। मुझे ऑलिव्स भी अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। सो ये हमारा फाइनल लुक है और ये डन हो गया। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो